आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए देखते हैं। खुदा के खादिम पास्टर रोबिन दुबई से कलाम शेयर कर रहे हैं और उनके मुतरजम ताहिर जॉन हैं, और ये आपके सामने दोनों जुबानों यानी इंग्लिश और उर्दू में कलाम की खिदमत करेंगे। यकीनन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिलेगी। आपकी सहूलत के लिए इस कलाम को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया है ताकि आप इसे मुकम्मल सुन सकें। आइए दूसरे हिस्से को सुनते हैं। लेट्स कम एंड वॉच विद अस लिविंग वर्ड ऑफ गॉड फॉर आवर गाइडेंस। पास्टर रोबिन फ्रॉम यूएई एंड हिज ट्रांसलेटर ब्रदर ताहिर जॉन शेयर वर्ड ऑफ गॉड बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। डेफिनेटली यू विल गेट ब्लेसिंग फ्रॉम वर्ड ऑफ गॉड। For your convenience, we have divided it into 3 parts. Let's start to listen second part. Our God will going to give the strength to follow the word of God. आज खुदा से कुवत मांगे, खुदा मुझे कुवत अता कर ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। So you are ready to repentance, God want to give the great blessing in your life. क्या आप आज तैयार हैं एक सच्ची तौबा करने के लिए? खुदा आपको अपनी बरकत से भरना चाहता है। Even God doesn't want to see how big sinner you are. खुदा ये नहीं जानता कि आपने कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। God doesn't want to see how big you are, how small you are. और खुदा ये नहीं जानता कि आप कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं। Today you are ready to repent, God wants to give the real blessing in your life. अगर आप सच्ची तौबा करना चाहते हैं, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत से भरना चाहते हैं। Even Jesus said in the Luke 15, अगर हम लूका के इंजील उसके 15 बाब में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, So one father had a two son. एक बाप उसके दो बेटे थे। So one son he wanted to separate from the home. जो एक बेटा था वो अपने घर से अलग होना चाहता था। He said his father to separate all his worthy to him. और फिर उसने अपने बाप से कहा कि जो मेरी चीजें हिस्सा को मुझे दे दे। Even father divided all his property and gave his. और बाप ने अपनी जायदाद जी थी उसको हिस्सों में तकसीम करके उसको उसका हिस्सा दे दिया। He started sorting his journey. और फिर उसने अपना सफर शुरू किया। He left his father house, he started to the other country. और फिर उसने अपने बाप का घर छोड़ा और किसी दूसरे मुल्क में जाकर बस गया। Yes, actually it happens in our life also. और ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। When we are sitting in front of the Jesus, जब हम यीशु मसीह के सामने बैठते हैं, might be we feel we don't get the proper blessing in the life. और फिर हम महसूस करते हैं हमारी जिंदगी के अंदर कोई सही बरकत नहीं है। Because even the hand of the God, sometimes we get the draining. और हो सकता है हम खुदा के हाथ से कभी कभी बरकत ना पाते हो। Because if you want to learn something, really God want to put some trouble in your life. और फिर जब आप खुदा से सही तौर से सीखेंगे तो खुदा कभी कभी आपकी जिंदगी के अंदर ट्रबल भी लाता है। I really remember one story actually. मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। It really happened actually. वो एक हकीकत में ऐसा हुआ। One of the man who comes from India. एक आदमी जो हिंदुस्तान से आया, actually he was very poor in home country. वो अपने मुल्क के अंदर बड़ा ही गरीब था। So after coming to Dubai, वो दुबई आने के बाद, he started doing the business. उसने कुछ कारोबार करना शुरू किया। He earned too much money in his life. और फिर उसने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा पैसा कमाया। But he said, लेकिन उसने कहा, I knew the pain of the hungry. मैं जानता हूं कि भूख की तकलीफ क्या है। So if I tell my son to help the poor people, अगर मैं अपने बेटे से कहता हूं कि गरीबों की मदद करो, how they realize to feel the hungry, because they don't know what is the meaning of the hungry. मगर मेरा बेटा भूख की कदर कीमत को नहीं जानता, क्योंकि कभी भूखा हुआ ही नहीं। That is why when I go back to India, फिर जब मैं इंडिया वापस गया, I just took our son and go to the swimming pool. और फिर मैंने अपने बेटे को लिया और स्विमिंग पूल पर चला गया। I just dropped them in the since morning. और फिर मैंने उसको सुबह से उसमें डाल दिया। Actually they start doing swimming up to 3 o'clock. और फिर 3 बजे तक वो उसमें स्विमिंग करता रहा। Actually they are crying out for the food. और फिर वो भूख के लिए रोने लगा। Then father go and ask. लेकिन फिर बाप उसका गया, उसने कहा, How do you feel? उसने कहा, आप क्या महसूस करते हैं? Sons were crying in front of the father. लेकिन बेटे ने बाप के सामने रोना शुरू कर दिया। Cannot tolerate such a hungry. और फिर वो नहीं अंदाजा कर सकता वो कितना भूखा है। Then father actually taught him. और फिर बाप ने उसे सिखाना शुरू किया। The whoever people comes across your life, जो भी लोग आपकी जिंदगी के पास से गुजरते हैं, they said you feel hungry. और फिर वो पूछते हैं, क्या आप भूखे हैं? You have to give them. आपको उसको कुछ देने की जरूरत है। So many people in this world, they don't have even one time food. और इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। We are always complaining the God. और लेकिन हम तो खुदा से हमेशा शिकायत ही करते रहते हैं। And us to worship the God. हमें खुदा की प्रशंसा करने की जरूरत है। Much more better than other people. हम लोगों से बहुत बेहतर हैं। Hallelujah. Hallelujah. God want to bless each and everyone. खुदा हम में से हर किसी को बरकत देना चाहता है। So what happened this man?
उस आदमी से क्या हुआ? The son, he left the home. उसने अपना घर छोड़ दिया. He wanted to enjoy the worldly things. वो दुनियावी जिंदगी से बड़े मजे करना चाहता था. Actually, the love of the Jesus Christ is very powerful. वो जानता है यीशु मसीह की जो कुवत है, वो जो कुदरत है, बड़ी ही मजेदार है. We cannot share such a love with the human being. और हम आदमियों से, इंसानों से ऐसी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते. The son, when he looks at the worldly things, he were very admired on the worldly things. और फिर जब उस बेटे ने दुनियावी चीजों को देखा तो दुनियावी चीजों की बड़ी तारीफ की. He really admired on the love of the people. और फिर लोगों की मोहब्बत को बड़ा अच्छा उसने समझा. Sometimes the original, the fake also looks like a very original. कभी कभार झूठे लोग भी हैं जो उनकी मोहब्बत बड़ी अच्छी नजर आती है. He wanted to follow the love of the world. और फिर वो दुनिया भी मोहब्बत से प्यार करते हैं. He went far away from the Jesus. और फिर वो यीशु मसीह से बड़े दूर चले जाते हैं. He went away. वो दूर चला गया. Then he just started enjoying his life. और फिर उसने अपनी जिंदगी में मजे लेने शुरू कर दिए. He just enjoyed with the sins. और फिर वो गुनाह के साथ लज़त लेता रहा. So finally, what happened to his life? और फिर उसकी जिंदगी में क्या हुआ? After losing everything in his life, जब उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, even he was going through the very famine. और फिर वो बड़े ही काल में आ गया. Even he doesn't have a food to eat. उसके पास खाने के लिए कुछ ना बचा. Even Bible says he just sharing the food with pigs. और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो सुरों की खुराक खाने लगा. Even he was longing to get the such a food. और फिर इस तरह की चीजों के लिए वो तरसने लगा. Similarly our life. फिर हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा ही है. Jesus always blessing us. यीशु मसीह हमें हमेशा बरकत देना चाहता है. To help you to hate the sin. और फिर आपकी मदद करते हैं कि आप गुनाह से नफरत कर सके. But by seeing the world, you just move away from the Jesus. और लेकिन आप दुनिया की चीजों को देखते हो, आप यीशु मसीह से दूर हट जाते हैं. You don't know who is the real happiness in your life. और आप नहीं जानते कि जिंदगी में हकीकी खुशी क्या है. By James 4:5 says, because of the double-minded people. याकूब का खत और उसका पांचवा चौथी आयत में लिखा है. Just we are sitting in the feet of the Jesus Christ. हम यीशु मसीह के कदमों में हमें बैठना चाहिए. Still we are looking the outside of the world. लेकिन फिर भी हम दुनिया को देखते हैं. We want that happiness also. और हम दुनिया की खुशी चाहते हैं. So even the son also did the same thing. और फिर इस बेटे ने भी ऐसा ही किया. But when he realized, लेकिन जब उसने महसूस किया, even he wanted to go back to father house. और फिर उस वक्त तो अपने बाप के वापस के पास वापस जाना चाहा. Even the son से और बेटे ने कहा, at least if he accept me as a servant of my father, it was very good for me. और उस बेटे ने कहा कि मुझे अपना नौकरी समझ ले तो मेरे लिए यही बड़ी बात होगी. So he took the decision and he went back to father. और फिर उसने एक फैसला लिया और अपने बाप के पास वापस चला गया. After reaching the father, he was very happy to invite his. और जब अपने बाप के पास पहुंचा तो उसका बाप उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ. He is very happy to receive his son. और फिर अपने बेटे को इस्तकबाल के लिए वो बहुत ही खुश हुआ. He said, my son was dead, now he become alive. और उसने कहा, मेरा बेटा मर चुका था, अब जिंदा हो गया है. Even today, because of the worldly things, you just kept away from the Jesus. अब तक आज भी हम दुनियावी चीजों की वजह से आप यीशु से दूर हो चुके हैं. Might be you are close to Jesus physically, but your mind is goes away from the Jesus. हो सकता आप जिस्मानी तौर पर यीशु के साथ हो, मगर आपका ज़हन यीशु से दूर है. How such you cannot again. And if you do the mistakes, अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते जाएंगे, so you are also double minded. तो फिर भी आप जो है वो दोहरे ज़हन वाले हो जाएंगे. Also have the need to repent today. आपको आज तौबा करने की ज़रूरत है. Might be still now you might be thinking I am the repentance man. हो सकता है आप ये सोचो कि मैं तो तौबा के और शख्स हूँ. But unfortunately I can don't know how to hate the world. और मैं नहीं जानता कि मैं दुनिया से कैसे नफरत करूँ. I don't know how to hate the sin. और मैं नहीं जानता मैं गुनाह से कैसे नफरत करूँ. Might be I am the weak person. हो सकता है कि मैं कहूं बहुत अच्छा आदमी हूं. Yes, Deuteronomy 31:6 says, जो इस तस्ना की किताब है, 31:6, और जो इस तस्ना की किताब है उसकी 31 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, where there was a Moses, he was there. वहां पे मोसेस का जिक्र है. In front of the Jericho. और जेरिको यरीहो के सामने. Actually Moses says, I am very old person. और जो मूसा उसने कहा मैं बड़ा बुरा शख्स हूं. How can I reach the Canaan? वो कैसे मैं कनान में पहुंचूंगा? Jericho, it is like similarly we can realize that it is sin. और जो यरीहो है वो इसका मतलब एक गुनाह की तरह है. Even you and me today we have to cross the Jericho. और हो सकता है आज मैं और आप भी यरीहो को क्रॉस कर सकते हैं. I am very oldest man. How can I cross the Jericho? मूसा ने कहा मैं तो बहुत बूढ़ा शख्स हूं, मैं कैसे यरीहो को क्रॉस करूंगा? But by Jesus said, God said to him. लेकिन खुदा ने उसे कहा, I am your father. I am always goes in front of you. और उसने कहा कि मैं तेरा बाप हूं, मैं हमेशा तेरे साथ चलूंगा. Not see the situations. वो हालात को मत देखो. So many people in this world, I know. बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर, the sins are like a really Jericho. जो इस गुनाह के गुनाह है इस दुनिया के अंदर वो यरीहो की मानद है. Once they addicted to the sin, एक दफा जब वो गुनाह कर लेते हैं, it is very hardest things to come back from the
तो फिर ये बहुत ही मुश्किल होता है उस गुनाह से, उन चीजों से बाहर आना। Even Moses can able to cross the Jericho, but these people cannot can overcome the sins. होता के जो मूसा ने उस यरीहो को क्रॉस किया, मगर लोग उस पर चीज पर गलत ना सके। So many things have in this life. हो सकता है हमारी जिंदगी में ऐसा हो। Pray God help us to take the real decision in our life. खुदा चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में एक सही फैसला लें। Might be because of the situation. हो सकता है हालात की वजह से, because of problem you took, might be you took the wrong decision. हो सकता है मसाइल की वजह से आप गलत फैसले लेते हैं। Long time before I had a chances to meet one man in India. बहुत अर्सा पहले मुझे हिंदुस्तान में एक शख्स को मिलने का इत्तेफाक हुआ। Actually right now he was a pastor. इस वक्त वो शख्स जो खुदा का पास है, I was born and brought up in the Christian family. वो कहता है मैं क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ। So when I was born, I am rich. जब मैं पैदा हुआ मैं बड़ा अमीर था। Unfortunately, my father had bad habit and he lost everything. और मेरे बाप की बुरी आदतें जिसकी वजह से मैं सब कुछ खो बैठा। When I got the age of 16, I don't have money to even continue our studies. और फिर जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकता। Life is full of troubles. और फिर जिंदगी जो है मुसीबतों से भरी हुई थी। So we have the decision to take the city to do some work. हमें अच्छा फैसला लेना है कि हम कौन सा काम कर सकें। So even one day getting food also very complicated. हो सकता है एक दिन का खाना लेना भी कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाए। Then and the unfortunately his father was dead. और फिर बदकिस्मती उसका बाप मर गया। सर वो इन अवर एरिया सम रिचुअल सम चर्चेस आर देयर। और फिर हमारे एरिया में कुछ चर्चेस थे। इफ यू बरी द डेड बॉडी, अगर वो किसी शख्स को दफन करते हैं, वी हैव टू पे वो सेटलमेंट टू द चर्च, देन ओनली दे गिव द स्पेस टू बरी। और फिर वो जो चर्च है उस दफन किए हुए शख्स को कुछ सेटलमेंट करता है, कुछ पैसे देता है। ही वाज वेरी ट्रबलिंग टू रनिंग द डेली लाइफ। और फिर वो रोजमर्रा जिंदगी में बहुत परेशान था। How is it possible to pay this loan at all? और फिर उसने कहा कि वो चर्च को लोन कैसे पे करे। Immediately he went to the pastor. वो फिर फौरन वो पास्टर के पास गया। He said, I begged to the pastor to give the space for the burial. और फिर उसने कहा कि पास्टर जो है वो कुछ ना कुछ वो दफन करने के लिए कुछ दे। He started begging and crying in front of the church. उसने चर्च के सामने भीख मांगना शुरू की और रोना शुरू कर दिया। But church said, we cannot change the rules for you. और चर्च ने कहा कि हम आपके लिए अपने असूल को नहीं बदल सकते। The heart was completely broken. और उसका दिल मुकम्मल तौर पर टूट गया। The pain in his heart. Pain in his heart. और उसका दिल में मुकम्मल तौर पर दुख था। So when he was crying in the public, जब वो लोगों के सामने रोने लगा, some other religious people they came, और कुछ दूसरे मजाहिब के लोग आए, they got ready to give the space for burial. और फिर उन्होंने दफन के लिए कुछ उसको दिया। He said that the incident happened. और फिर ऐसा वाक्या हुआ। After that, I hate the churches. और फिर मैंने चर्च से नफरत करना शुरू कर दी। I hate the pastors. और फिर मैंने पास्टरों से नफरत करना शुरू कर दिया। I took the decision to earn the money. और क्योंकि मैंने फैसला लिया था कि पैसे कैसे कमाए। I took the decision that the world is only respect the money. और फिर मैंने ये अंदाजा किया कि ये दुनिया है ये पैसे वाले को प्यार करती है। So money is like a god. और फिर जिस दुनिया के अंदर जो पैसा है खुदा की तरह है। He took the decision to go back to Mumbai. और फिर उसने फैसला लिया और वापस बंबई चला गया। He started working there. उसने वहां काम करना शुरू किया। He started when he was working. और फिर जब वो काम करता था, he started stealing the money from the owner. और फिर वो मालक का पैसा चुरा लेता था। Actually, it happened for the long time. और फिर लंबा अरसा ऐसा होता रहा। But one day he was caught by the. और एक दिन वो पकड़ा गया। Then they beated him a lot. और फिर उस वक्त मालक ने उसे बहुत मारा। They threw him out of his shop. और फिर उसने उसे अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। Then he decided to do the suicide actually. और फिर उस वक्त उसने फैसला कि वो मरना चाहता है। He just ran away from the city. He had his decision to join one day with the family. और फिर वो एक दिन वो उस जगह से भागा और उसने कहा कि मैं एक दिन अपनी फैमिली को अपने खानदान को देखूंगा। He just joined with the family and happy with his mother. और फिर अपने खानदान से मिला और अपनी माँ से खुश हुआ। He really decided he wanted to stay only 24 hours. और फिर वहां पे सिर्फ वो 24 घंटे के लिए रुका। Then he wanted to falling in front of the train. He wanted to follow in front of the train. और फिर वो ट्रेन के नीचे गिरना चाहता था, ट्रेन के नीचे आना चाहता था। That is the only decision he already took. और वो जिसका फैसला पहले से ले चुका था। Then he went to the railway station track. और फिर वो स्टेशन के ट्रैक पर गया। Again some voice spoke to him. और किसी आवाज ने उससे बात की। Actually I was born as a Christian. वो कहता है मैं क्रिश्चियन पैदा हुआ था। At least I wanted to go the nearby church, attend something, then I wanted to suicide. और उसने कहा कि मैं पहले चर्च के पास जाऊंगा, फिर मैं जाकर अपने आप को मारूंगा। He went to the church. He said some American or something guest pastor came there in the और फिर वो मरने से पहले चर्च के पास गया और उसने देखा कुछ अमेरिकन पास्टर वहां पे थे। He teach in the Bible. वो बाइबल पढ़ा रहे थे। Actually, he
teach the love of the Jesus Christ. और फिर वो यीशु मसीह की मोहब्बत के बारे में बताया. How big sacrifice he did for you and me. और उसने कहा कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए जान दी. Actually, when he was sitting in the confusions, जब वो उस परेशानी के अंदर बैठा हुआ था, the word of the God spoke to him. उस वक्त खुदा का कलाम उससे मुखातब हुआ. He was right now. He was very uncomfortable to sit in the church. उस वक्त वो चर्च में बैठने के लिए बड़ा ही बेजार हो गया. Time the pastor said to him. और उस वक्त पास्टर ने उससे कहा. Not only said to him, he said overall. और ना सिर्फ उससे बल्कि सबसे कहा. Anybody, if you want to pray, that stand up and pray. उसने कहा कोई अपने लिए दुआ करना चाहता तो अपने पांव पर खड़ा हो जाए. He is just stood up in the church. तो वो खड़ा हो गया. He just closed his eyes. उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया. He started praying. तो उन्होंने दुआ करना शुरू किया. He said, I cannot able to deliver the voice from my mouth. उसने कहा कि मेरे मुंह से कोई भी अल्फाज ना निकले. When I closed my eyes, I started crying loudly. और फिर जब मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो फिर मैंने रोना शुरू कर दिया. People are watching at me. और लोग मुझे देखने लगे. Even I was very young only. मैं उस वक्त बहुत जवान था. I cannot open my mouth. I start crying. और फिर मैं अपने मुंह को ना खोल सका बल्कि मैं रोता ही रहा. So he said, when he was crying, और उसने कहा कि जब मैं वहां पे रो रहा था, he just saw some white board in front of you. और just white board. और फिर उसने सामने एक सफेद बोर्ड देखा. He just saw whatever the commit he mistake in his life, he started something written like that. और जो कुछ उसने बोर्ड पर देखा, जो उसने जिंदगी के अंदर गुनाह और गलतियां और खताएं की थी, उसे बोर्ड पे लिखा जा रहा था. He said, I was born in a Christian. उसने कहा कि मैं मसीही पैदा हुआ था. I don't know what kind of the mistakes are really not good. और फिर मुझे नहीं पता था कि कौन सी गलतियां सही हैं. Actually, I don't know which one is good or bad. और मुझे नहीं पता था अच्छाई क्या है और बुराई क्या है. So when I was written in the board, I was really surprised. और जब मैंने वो बोर्ड पर लिखा हुआ देखा, मैं सरप्राइज हुआ. So many things it was written in the board, then only I realized even it is the mistakes in the Christian's life. और फिर जब मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ देखा तो मुझे महसूस हुआ कि क्रिश्चियन ऐसी गलतियां करते हैं. He said, whatever written in the board, I started crying and reading this board. और फिर मैंने रोना शुरू कर दिया. मैं उस बोर्ड को पढ़ना शुरू कर दिया. People are watching me. लोग मुझे देख रहे थे. They started watching what happened to him. और फिर लोग उसे देखने लगे कि इसे क्या हो गया है. Yes, he just confessed his mistake all in front of the congregation. और फिर मैंने उसने लोगों के सामने पूरे congregation के सामने अपनी गलतियों को कबूल कर लिया. He didn't notice what happened around him. और उसने ये नहीं देखा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है. He just noticed God what he was speaking. और उसने इस बात का नोटिस लिया कि खुदा उसे क्या चाहता है. Loudly read what mistake he did. और फिर उसने उस बात के उससे बड़ा ही उसे मोहब्बत हुई कि उसने अपनी गलतियों को देखा है. Then he opened his mouth. और फिर अपने उसने मुंह को बंद किया. He started, I confess all my mistakes. और फिर उसने कबूल किया कि मैं अपनी गलतियों को कबूल करता हूं. As a Christian today only I realized this is the real repentance. और इस बहसियत मसीही मैंने आज इन चीजों को कबूल किया. क्या गलतियां थी. Thinking can be renewed in his life. और फिर अपनी जिंदगी को नया करना शुरू किया. He didn't have a thing to suicide in his life. और फिर उसने अपनी जिंदगी में जो एक खुदकशी करने का फैसला था वो बदल डाला. He take the decision to do something for Christian. और He wanted to take the decision for doing something for Jesus Christ. और फिर उसने उस वक्त फैसला किया वो यीशु मसीह के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है. Just the way of speaking also getting changed. और जो बोलने का तरीका था खादमों का उसने उसे तब्दील कर दिया. Way of activities get changed after the repentance. और उनका जो सरगर्मियां थी उसने उस बंदे को तब्दील कर दिया. That is a true repentance in the life. ये है जिंदगी के अंदर सच्ची तौबा. Hallelujah. Thank you for watching. Like and subscribe.